नमस्कार, शुभ सकाळ। आज 12 एप्रिल रविवार। मु आपनको किछि गुरुत्वपूर्ण खबर जणैबि जहाँ आपण जानिबा निहेति दरकार। नजर पकांतु किछि बड़ खबर उपरे। प्रथम खबर, राज्य रे पोळे 4 महामारी आक्रांत चिन्हट, मोट संख्या 54 छुइला। राज्य रे शनिवार पुणि 4 जन महामारी आक्रांत चिन्हट होइछंती। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ट्विट कर सूचना देइछंती। मात्र संपूर्ण महामारी आक्रांत व्यक्ति माने के अंचल ता स्पष्ट करा जाय नहीं। एथिसह राज्य रे महामारी आक्रांत संख्या 54 रे पहुंचिछि। सुस्थ हो 12 जन घर को फेरिथिबा बेले 41 जन चिकित्सित अवस्था रे अछंती। नजर पकांतु आउ एक बड़ खबर उपरे। राज्य सरकार 49 नंबर महामारी आक्रांत गस्त बरणी जारी करछंती। से यूनिट फोर स्थित मधुसूदन नगर 41 नंबर महामारी आक्रांत संपर्श आसते। यह संभवतः संक्रमण कारण हो पारे। आक्रांत जनक महिला एवं 35 वर्ष बोली सूचना देछंती। से मार्च 20 रु एप्रिल 3 मध्य मधुसूदन नगर स्थित घरे थिले। एप्रिल 4 रे रेडक्रस भवन अंचल को जाइथिले। सेहिपरि से एप्रिल 6 रे कैपिटल हॉस्पिटल अंचल को जाइथिले। महिला जनक एप्रिल 7 रु 10 होम क्वारंटाइन ले थिले। एप्रिल 10 रे तांकर नमूना संग्रह कर दैथिला। एथि सहित तांको क्रमागत भाबे स्वास्थ्य जांच कर दैथिला। एप्रिल 10 रे से महामारी पॉजिटिव चिन्हट होइथिले। तासबा पोसाखेलरो निवृत्त रहिबा को परामर्श दे राज्य सरकार। महामारी पय लॉकडाउन जोगु गां गणरे एबे तास खेल वृद्धि पाइबार लागिछि। त महामारी संक्रमण रखिया पय तास बा पोसाखेलरो निवृत्त रहिबा निमन्ते राज्य सरकार परामर्श दैछन्ती। एपरे कि कास एवं छिंक जोगु 19 रु 29 फुट पर्यंत अंचल रहुतवा लोक माने संक्रमित हेबार आशंका थाय बोली सरकार पक्षर कह जा। शनिवार राज्य सरकार मुखपात्र सुब्रत बागची नियमित बुलेटिन ले कहते गाँ गहर तास खेल जो महामारी संक्रमण व्यापार जथेष आशंका रही। कारण काश एवं छिंकर सामान्यतम कणिका केते दूर संक्रमण आशंका बढ़ाई थाए ता समस्त जानवा उचित। नजर पकातु आउ एक बड़ खबर पर। आक्रांत 37 जन 35 जन पाखे रोगर लक्षण ना। राज्यर चिन्हट 50 आक्रांत 80% पाखे महामारी कौन लक्षण नाला। तेरे टेस्ट पर पॉजिटिव रिपोर्ट आसाला। एने सूचना देखते जातीय स्वास्थ्य मिशन निर्देशिका शालिनी पंडित। महामारी आक्रांत संपर्श में निर्देशिका शालिनी पंडित कहते पूर्व 2 जन सुस्थ हो डिस्चार्ज होते एवं आउ 10 जन डिस्चार्ज होती। बाकी रही जा 37 केस 35 कौन लक्षण ना। केवल 2 जन को छाड़ अगर 35 जन हस्पिटाल केयार दरकार ना। कारण काश थंडा ज्वर आदि लक्षण 35 जन ठाराओ ना कि लक्षण ना पॉजिटिव मिलूबर से हॉस्पिटल भर्ती कराई समस्ते कि दिन मध्य डिस्चार्ज हे आशंका कर। नजर पकातु आउ एक बड़ खबर पर। सर्वसाधारण स्थान में तमाखु सेवन एवं छेप पकाइबा पर कटक लगवा को निर्देश देला स्वास्थ्य मंत्रालय। महामारी व्यापार रोकवाई सरकार विभिन्न सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करुछंती। क्रम में सर्वसाधारण स्थान में तमाखु सेवन एवं छेप पकाइबा उपर कटक लगवा को समस्त राज्य को स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश देछंती। शनिवार एने समस्त राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल मुख्य सचिव को स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर एक चिठी कर उल्लेख कर तमाखु पान एवं सुपारी खाइबा द्वारा शरीर लाल अधिक सृष्टि होता है। फल लोक मान बारंबार छेप पकड़ा इच्छा होता है। तेज सर्वसाधारण स्थान में छेप पकड़े महामारी तीव्र गति में व्यापार आशंका रही स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर कई। तेणु सर्वसाधारण जगार छेप पकड़ा अनुचित। नजर पकातु आउ एक बड़ खबर पर। लॉकडाउन लागू हो जाते 2 लक्ष पहुंच जाता आक्रांत संख्या। लॉकडाउन जारी करा एबे सुधा आक्रांत संख्या 2 लक्ष पहुंच जाता। शनिवार एक सांबादिक सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रालय युग्म सचिव लव अग्रवाल शनिवार एभली बयान देते कही लॉकडाउन एवं कंटेनमेंट जोन आदि पदक्षेप कोविड 19 मुकाबला गुरुत्वपूर्ण दी जाए। आम जब ठीक समय से पदक्षेप नहीं एबे सुधा आक्रांत संख्या 2 लक्ष पहुंच जाता। से कहते वर्तमान लक्ष आइसोलेशन बेड एवं 11,500 आईसीयू बेड महामारी आक्रांत प्रस्तुत रही। महामारी को नहीं सरकार प्रोटेक्टिव रही एक दावी। नजर पकातु आउ एक बड़ खबर पर। लॉकडाउन अवधि बढ़ाए महाराष्ट्र कर्णाटक एवं पश्चिमबंग। महाराष्ट्र सरकार आसंता एप्रिल 30 पर्यंत लॉकडाउन समय को वृद्धि करिछंती। ए संपर्क में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घोषणा करिछंती। आउ 2 राज्य कर्णाटक एवं पश्चिमबंग मध्य लॉकडाउन अवधि को 30 पर्यंत वृद्धि कराई। शनिवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आलोचना बेले जातीय स्तर में लॉकडाउन अवधि बढ़ावा को दाबी करते। अल्प किसी राज्य को छाड़देले अन्य राज्य मैंने लॉकडाउन अवधि बढ़ेवे दाबी करिछंती।
नजर पकात आउ एक बड़ खबर पर मध्यप्रदेश में वर्तमान इंदौर सहर महामारी हसफस पलटि पूर्वर व्यावसायिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारणपाई चर्चित ही स्थान में वर्तमान सबु संख्यार मुंड विंधार लगी राज्यर मोट 36 मृत्युर केवल इंदौर में 27 जन जीवन जाती जातीय हार ठार इंदौर में मृत्यु हार सब अधिक अच्छी एठार मृत्यु संख्या बा मृत्यु हार 11% रही आक्रांत संख्या राज्य मोट आक्रांत संख्या अधा बोली जना पड़ी नजर रखु आउ एक बड़ खबर पर केन्द्र केवल जीवन नुहे अर्थनीति को गुरुत्व देव शनिवार 13 राज्यर मुख्यमंत्री शनिवार बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्र आभिमुख्य स्पष्ट कर समय जीवन जी गुरुत्वपूर्ण अर्थनीति से गुरुत्वपूर्ण मंगलवार लॉकडाउन सरबार था किंतु वर्तमान विभिन्न राज्य यहाँ बढ़ावा प्रस्ताव देते तेणु यह ग्रहण कर मोदी 4 घंटा बैठक पर प्रकार सूचना देते लॉकडाउन अवधि बढ़ो किंतु अर्थनीति किसी क्षेत्र में कोहल कर देशर एवं लॉकडाउन चलता बेले टेलीविजन रो गुरुत्व बढ़ी जाएगी समय लोक मैंने जपर घर बेले निर्विघ्न टीवी देखिपारे से सरकार आउ केतक पदक्षेप नहीं लॉकडाउन समय रे लोक मान सेवा जोगान चालू रखा केन्द्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विभिन्न डीटीएस सेवा प्रदानकारी कंपनी केबल ऑपरेटर सहित मल्टी सिस्टम ऑपरेटर मानक निर्देश देते लॉकडाउन समय रे देय पैठ बाबर ग्राहकों संजोग न काटे ए निर्देश दि जाए नजर पकातु आउ एक बड़ खबर पर लॉकडाउन दृष्टि प्रीमियम प्रदान पर एक मसीहा रिहाती समय घोषणा कला LIC देश में महामारी संक्रमण दृष्टि सरकार गत मास 25 तारीख लॉकडाउन घोषणा कर दृष्टि रखी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC पक्ष निजर पॉलिसीधारी मानी केतक सुविधा घोषणा कर जो पॉलिसीधारी मार्च एवं एप्रिल मस प्रीमियम देवार एक मास ग्रेस पीरियड बा रिहाती समय दी जा पूर्व फेब्रुवारी मस प्रीमियम पैठ तारीख को मार्च 22 को वृद्धि कर एवं से ही तारीख को एप्रिल 15 पर्यंत वृद्धि कर नजर पकात आउ एक बड़ खबर पर आतंकवादी शिविर सेनार टार्गेट घातक महामारी महामारी विरुद्ध देशवासी लड़े करुवा बेले पाकिस्तानी आतंकवादी को अनुप्रवेश उद्यम महंगा पड़ी भारतीय सेना शुक्रवार जम्मू काश्मीर कुपवाड़ा जिला संहग्ल निमंत्रण रेखार बड़ कार्यानुषानी एरान सेक्टर स्थित एकाधिक लपचप एवं अस्त्रशस्त्र मजबूत स्थान ध्वस विध्वस्त हो तबे सेनार यह जवाबी कार्यानुषान के आतंकवाद निहत होता एने कि स्पष्ट होना नजर पकात आउ एक बड़ खबर पर तुर्की 31 में 48 घंटिया कर्फ्यू महामारी संक्रमित संख्या को रोकने तुर्की 31 48 घंटिया कर्फ्यू जारी करफ्यू जारी होता अंचल मध्य राजधानी आंकारा आदना अंतालियो आयादीन बालक्सिर बुर्सा डेंजिल आदि सहर रही कर्फ्यू समय हस्पिटाल औषध दुकान आदि खोला र तेब अंतिम संस्कार पर कर्फ्यू लागू हेब ना बोली सरकार पक्ष सूचना दी जाए महामारी संक्रमण को रोकवा लगी एभली निष्पत्ति ग्रहण करेणु भयर कौन कारण ना बोली आभ्यंतरण मंत्री सुलेमान सोएल कहते नजर पकात आउ एक बड़ खबर पर सारा पृथ्वी में महामारी संकटर मुकबिला लगी प्रस्तुत जारी रही मनर आवेग पर महामारी एवं लगाम लगाई यार सद्यतम उदाहरण आमेरिकार वाशिंगटन देखा मिली एक मस धरी ड्यूटी जड़े नर्स गुरुवार घर को फेरी तांको माँ खुशी झील को आलिंगन करने को दौड़ आसी तेज सुरक्षा दृष्टि माँ झील को एक चादर घोड़ाई पर कुंडाई धरी कांधी पकाई थे 28 वर्ष वयस्का केल्सी फेर आमेरिका ओहित हॉस्पिटल नर्स भाव कार्य करते किसी गुरुत्वपूर्ण सामग्री नेवाई से घर को आसी एत दिन पर झील को देखी माँ चेरिल नटन आनंद अधिक खुशी हो जाते एवं माँ झील को आलिंगन कर फटो सोशल मीडिया भाइराल होबार लगी नजर पकात आउ एक बड़ खबर पर इटाली में 3 को बढ़ला लॉकडाउन अवधि इटाली में कोरोना तांडव रचिवे लगी इटाली में एपर्यंत महामारी मृत्यु संख्या 18,000 को टपिची जहां अन्य देश तुलन सर्वाधिक फल रोकने प्रधानमंत्री ग्युसेफ कोंते देशर लॉकडाउन अवधि को वृद्धि करने को जमापड़ गत किसी दिन हे महामारी संक्रमण में इटाली आक्रांत संख्या जिते परिमाण में बढ़ी चलती मृत्यु संख्या बढ़िवे लगी तेणु ये महामारी संक्रमण को देख इटाली में 3 तारीख को वृद्धि कर लॉकडाउन अवधि नजर पकात आउ एक बड़ खबर पर समस्त खेला हम महामारी टेस्ट महामारी समस्त फुटबल मान टेस्ट होगापर इंग्लीश सीजन पुनः आरंभ हो लीग मैनेजर्स एसोसिएशन मुख्य कार्यनिर्वाही रिचार्ज बेभान प्रकाश कर COVID-19 महामारी जो ब्रिटेन में पाखापाखि 9,000 लोक मृत्युवरण हो सारा एक मस है फुटबल खेल होना स्थितर सुधार आसे जदि खेल पुनः आरंभ हो तेज सीजन को 56 दिन में शेष कर
ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଜାପାନର ସର୍ବପୁରାତନ ସୁମୋ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜଣେ ରେସଲର ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାପାନର ଏହି ପୁରାତନ ଖେଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ବନ୍ଦ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜଣେ ରେସଲର ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପରେ ପୁରାତନ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଜାପାନର ସୁମୋ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ନିମ୍ନ ରାଙ୍କର ରେସଲରଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ମହାମାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 1 କିଲୋ ଡାଲି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ପରିବାର ପିଛା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ହରଡ଼ ଡାଲି ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟିକା ଶାନ୍ତି ହୀରାନନ୍ଦ ଚାଲଦୱାଲଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 87 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ରବିବାରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଚାୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ବିନା ଦର୍ଶକରେ ହେବ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ। କମେଡିଆନ୍ କପିଲ ଶର୍ମା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବସରରେ ନିଜ ଘରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ତଡ଼କା ଜାରି ରଖିବେ। ସେ ଏବେ ନିଜ ଘରୁ ଏହି ଶୋ ବିନା ଦର୍ଶକରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଏଭଳି ଶୋ କରିବା ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଥିଲେ ହେଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଭି ଶୋ ବିନା ଦର୍ଶକରେ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ କପିଲ ଶର୍ମା ହୁଏତ ଏହି ଧାରାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ନଗେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ନଗେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।